आज हम सीखेंगे इफ एच इज एनी सब ग्रुप ओपी ग्रुप जी देन एच इनवर्स इज इक्वल टू एच ऑल्सो सो दैट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। पहले हम सीखेंगे एच इनवर्स क्या होता है। देखो अगर हम कोई एच एच वन एच टू एंड सोन लेते हैं तो एच इनवर्स का मतलब होता है एच वन का इनवर्स एच टू का इनवर्स एंड सोन। मीन्स एच के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनका इनवर्स लिखा जाना। क्लियर। अब हम शुरू करते हैं इसका प्रूफिंग कैसे करना है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखो सबसे पहले लिखिएगा जो हमें गिवन होता है, गिवन एच इज एनी सब ग्रुप ओपी ग्रुप जी टू सो दैट। अब हमें क्या शो करना है वो लिखना है एच इनवर्स इज इक्वल टू एच। अब हमें ये गिवन है कि एच इज सब ग्रुप ओपी ग्रुप जी, अर्थात इसी पॉइंट का यूज करके हमें ये प्रूव करना है एच इनवर्स इज इक्वल टू एच। अब मैंने आपको बताया कि जब दो सेटों को इक्वल प्रूफ करना होता है तो इनके लिए दो कंडीशन हमें अप्लाई करनी होती है, एच इनवर्स सबसेट इक्वल टू एच, और दूसरी केस ये प्रूफ करना होता है कि एच सबसेट इक्वल टू एच इनवर्स। क्लियर। अब हम सबसे पहले पहला केस प्रूफ करेंगे एच इनवर्स सबसेट ऑफ एच। मीन्स नाउ ये लिख लेता हूं यहां पर, वी शुड सो दैट एच इनवर्स सबसेट इक्वल टू एच। सेकेंड केस एच सबसेट इक्वल टू एच इनवर्स। फोर फर्स्ट केस हमें यह प्रूव करना है तो इसके अंदर एक एलिमेंट लेके चलना है, लेट एक्स इनवर्स बिलोंग टू एच इनवर्स। यहां से हम इंप्लाइज करेंगे एक्स बिलोंग टू एच, क्योंकि हमने अभी आपको समझाया कि एच इक्वल टू एच वन एच टू है तो एच इनवर्स क्या हो जाएगा उसका इनवर्स, तो दैट इज दिस से दिस लिख सकते हैं और दिस से दिस लिख सकते हैं, तो ये हमने इंप्लाइज किया। अब यहां से एक्स इनवर्स बिलोंग टू एच, क्यों? क्योंकि एच इज सब ग्रुप, ये हमें गिवन है, और जो सब ग्रुप होगा वो ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा होगा, इसलिए एक्स इनवर्स बिलोंग करेगा एच को। हैंस हमने देखो एक्स इनवर्स बिलोंग एच इनवर्स किया और इंप्लाइज कर दिया एक्स इनवर्स बिलोंग टू एच, इसका मतलब ये हुआ कि एच इनवर्स सबसेट इक्वल टू एच, इक्वेशन फर्स्ट। अब केस लेते हैं हम सेकंड, फोर सेकंड पार्ट क्या है हमारा सेकंड पार्ट, एच सबसेट इक्वल टू एच इनवर्स, ये प्रूव करना है, लेट रूल के अकॉर्डिंग हम इसमें एक एलिमेंट लेके चलेंगे एक्स बिलोंग टू एच। क्लियर। यहां से मैं इंप्लाइज कर सकता हूं एक्स इनवर्स बिलोंग टू एच, क्यों? क्योंकि एच इज सब ग्रुप, अब हम जानते हैं कि अगर एक्स इनवर्स बिलोंग एच में है तो एक्स इनवर्स का होल इनवर्स बिलोंग करेगा एच इनवर्स में। अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी समझाई कि एच में एच वन एच टू है तो एच इनवर्स में एच वन इनवर्स एच टू इनवर्स हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग में इसका इनवर्स कर सकता हूं। इंप्लाइज जब किसी नंबर का या किसी एलिमेंट का डबल इनवर्स होता है तो वो स्वयं एक्स ही प्राप्त हो जाएगा, जैसे कि ये इनवर्स बिलोंग टू ये हमारा क्या हो जाएगा एच इनवर्स। तो यहां पर हमने क्या दिखा दिया, हैंस एक्स बिलोंग टू एच इंप्लाइज एक्स बिलोंग टू एच इनवर्स, ये हमें क्या शो करता है एच सबसेट इक्वल टू एच इनवर्स, सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट एच इज इक्वल टू एच इनवर्स, हैंस प्रूव्ड। अब हमें ये शो करना है कि कन्वर्स इज नॉट ट्रू। क्लियर। तो ट्रू सो दैट कन्वर्स
इज नॉट ट्रू। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि इफ एच इज इक्वल टू एच इनवर्स देन एच इज नॉट सब ग्रुप, ऐसा हमें शो करना होगा, ऐसा एग्जाम्पल हमें सर्च करना होगा जिसमें H इज इक्वल टू H इनवर्स तो हो लेकिन वो H सब ग्रुप ना हो, ऐसा हमें शो करना है। नाउ देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसी प्रॉब्लम के लिए कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ऐसी पोजिशन के लिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल का प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हो, जैसे मैंने देखो लिया यहाँ पर H लिया, हमने H लिया माइनस वन। अगर मैं देखो ये h इक्वल टू माइनस वन लिया है तो इसके लिए मैं g कंसिडर कर लेता हूँ, g हमारा जो हुआ वन और माइनस वन हुआ। क्लियर? ये अंडर मल्टीप्लीकेशन है तो ये भी हमारा अंडर मल्टीप्लीकेशन रहेगा। अब अगर मैं h इनवर्स की बात करूँ तो h इनवर्स के अकॉर्डिंग ये हमारा जब इसका इनवर्स करेंगे तो इसका इनवर्स हमारा माइनस वन ही फाइंड आउट होगा अंडर मल्टीप्लीकेशन। क्लियर? अब हम बात करना चाहते हैं कि क्या ये H सब ग्रुप है, तो ये देखना है। नाउ यहां पर मैं लिख रहा हूं इस चीज को, क्लियर? चेक करते हैं, H अंडर मल्टीप्लीकेशन माइनस वन और माइनस वन, इन दोनों का मल्टीपल वन आया, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, राइट? ये हमने H के लिए किया। क्लियर? तो H इज नॉट क्लोज्ड, तो H इज नॉट सब ग्रुप, क्योंकि सब ग्रुप होने के लिए ग्रुप की सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इससे ये प्रूफ होता है कि कन्वर्सली हमारा ट्रू नहीं है। क्लियर? हैंस प्रूफ्ड। क्लियर बच्चों? अगर आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, कमेंट करें, और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नए लेक्चर वीडियो के साथ। अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।